नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अंजू, आपका पैनासोनिक कुकिंग में बहुत बहुत स्वागत है। सो आज हम बनाने वाले हैं हॉट एंड सोर सूप। सो आइए देखते हैं क्या इंग्रेडिएंट्स है। हॉट एंड सोर सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स रेडी रखे हैं। जैसे ये कुछ मिक्स वेजीज हैं, जैसे बीन्स, कैरेट, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, और ये सभी चीज़ों को मैंने यहाँ नाइसली फाइन कर लिया है चॉपर से। और यहाँ पर हाफ ऑनियन मैंने अलग से कट करके ले लिया है। इसी में मैंने जिंजर गार्लिक भी डाल दिया है, आप अलग सा भी सौते दे सकते हो। कॉर्नफ्लोर लिया है 1 टेबल स्पून जितना, ब्लैक पेपर, रेड चिली सॉस, टमाटो सॉस, विनेगर सब एक ही साथ ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पर। सॉल्ट एज पर द टेस्ट। मैं यहाँ पर बटर में बना रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हो। 1 टेबल स्पून जितना मैंने यहाँ पर बटर लिया है। हम ये जो रेसिपी है माइक्रो पावर पर बनाएंगे, तो बटर को हम 1 मिनट माइक्रो पावर कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा बटर था वो सॉफ्ट हो गई है। सब मैं क्या करूंगी, इसमें जो हमारा अनियन है, ये अनियन को सौते कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है हम माइक्रो पावर पे 6 to 7 मिनट सेट करेंगे डायरेक्टली। एट मिनट सेट करती हूँ मैं यहाँ पर। ऑनियन सौते हो गए, फिर हमारे यहाँ पर जो वेजीज है वो वेजीज को सौते कर लेंगे। यहाँ पर जो अनियन था हमारे 1 से 1.5 मिनट में सौते हो गए। अनियन को हमें रेडिश नहीं करना है, बिकॉज सूप में अनियन रेडिश अच्छे नहीं लगते। सो जो यहाँ पर हमारा वेजी से ये डाल देंगे। वेजीज को हम थोड़ा सा सॉल्ट के साथ सौते करेंगे इसी में। इसे भी 1 से 1.5 मिनट के लिए सौते करेंगे। बाय द टाइम हम हमारा यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का जो मिक्सचर है, जब तक ये कुक हो रहा है हम हमारा कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लावर है, मैं यही जो वेजिटेबल का जो बाउल है इसी में जस्ट एक मिक्सचर बना ले रही हूँ। आपको थोड़ा सा नॉर्मल वाटर लेना है और कॉर्नफ्लावर को नाइसली डाइल्यूट कर लेना है वाटर के साथ, ताकि उसमें लम्स नहीं रहे। अब ये एक बार हमारी जो वेजीज है कुक हो जाएगी, तब ये कॉर्नफ्लावर का जो मिक्सचर है हम ऐड कर देंगे। वेजीज हमारे यहाँ पर माइक्रो पावर पे कुक हो रही है, तो 1-2 मिनट बाद हम वेजीज चेक कर लेंगे। वेजेस की मेरी यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट में ये नाइस हाफ कुक हो गई है। अब मैं इसमें मेरा थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी, बिकॉज हम यहाँ पर हॉट एंड सॉर सूप बना रहे। यहाँ पर आप वेजिटेबल स्टॉक भी ले सकते हो और एल्स नॉर्मल वाटर भी ले सकते हो। अब यहाँ पर मेरे पास जो सोया सॉस, रेड चिली सॉस और विनेगर का जो मिक्सचर था, मैं ये ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैं हार्डली 2 जन जितना ही बना रही हूँ, इसीलिए मैं मेरे हिसाब से क्वांटिटी ली है। बाकी आप अपने चॉइस से ले सकते हो। थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अब ये सभी मिक्सचर को नाइसली बॉईल करना है, जब तक ये नाइसली ऊपर आपको लगे कि अच्छे से वाटर कुक नहीं होगा। तो हार्डली से कुक होने के लिए 2-2.5 मिनट लगेंगे। फिर लास्ट में हम हमारा कॉर्नफ्लावर का जो मिक्सचर है वो डालेंगे। यहाँ पर जो हमने वेजिटेबल डाले थे बॉईल होने के लिए, वो ऑलमोस्ट हो गए। सो मैं भी यहाँ पर जो हमारा कॉर्नफ्लावर का जो मिक्सचर है ये डाल दूंगी, जो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिकी हो जाएगी। इसे कंटिन्यू होने देंगे जो हमारा रिमेनिंग टाइम है। यहाँ पर जो हमने बॉइलिंग का जो प्रोसेस था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा जो सूप है काफी नाइसली रेडी हो गया। अब इसे आप कोरिएंडर या किसी से भी गार्निश करके गरम गरम सूप पी सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।